brought to you by Techno Camon 30 series. अशोकनगर में युवती को तलवार के दम पर किडनैप करने के आरोपी सलीम के घर पर बुलडोजर चलने के बाद से इलाके में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। हालांकि अब तक आरोपी के ढाए गए मकान के मलबे को वहां से नहीं हटाया गया है, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही है। पीड़िता के परिजनों की माने तो आरोपी लगातार पीड़िता को धमकी दे रहा था। माहौल था जी था, मतलब कि 7-8 दिन से बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था और उसको रास्ते में रोका भी था एक बार। मैं उसका जीजाजी हूँ, मतलब लड़की का, और उसको रोका भी था मतलब कि, और उसको समझाया काफ़ी बार मतलब कि ऐसा मत करो, मतलब कि बदनामी होगी हमारी लड़की की, तो नहीं माना। वो कह लगा मतलब कि मैं तो यहाँ से इसको भगा कर ले जाऊँगा, शादी करूँगा और धर्म परिवर्तन करूँगा, मतलब कि ये सब कहना ये है। जब जैसे वो यहाँ पे मोहल्ले में रहता था तो और भी बीच में ऐसी घटनाएं की हैं उसने, जैसे आप आते जाते हो? ऐसी घटनाएं कुछ नहीं करी, बाकी धमकियां देता रहता था मोबाइल से, मतलब कि फ़ोन पर, कि तुम जान से मार दूंगा अगर तूने किसी को बताया, और उसके साथ मतलब गलत काम किया। अब यहाँ पर जैसे कल के बाद जो पूरा घटनाक्रम हुआ, उसका मकान तोड़ दिया गया, अब इस मोहल्ले में कैसा क्या माहौल है, कोई डर है क्या उसको लेके या कुछ? किसी का कुछ कोई डर नहीं है, बाकी बस थोड़ा मतलब कि यही डर है कि मतलब कि उनकी जमानत में बेल दी जाए मतलब। फिलहाल इलाके में शांति कायम है, पुलिस वाले लगातार घटना स्थल पर अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हम लोग तैनात हैं। कितने पुलिसकर्मी तैनात? 6 लोग हैं। कल के बाद से कोई ऐसा घटनाक्रम फिर दोबारा से हुआ? नहीं, शांति। आपको बता दें, 3 दिन पहले सलीम नाम के आरोपी ने अपने दोस्तों के साथ एक युवती को तलवार लहराते हुए किडनैप करने की कोशिश की थी। वीडियो जब वायरल हुआ तो युवती ने खुलासा किया कि आरोपी सलीम उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दे चुका है और आए दिन वो युवती को परेशान करता है। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को तत्काल गिरफ्तार कर लिया और उसके मकान पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। अशोकनगर से राहुल कुमार जैन की रिपोर्ट, एमपी तक।